हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो दुबई T10 डिवीज़न 1 का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा इंटर ग्लोब मरियन वर्सेस VTSC वर्सेस वोल्ट्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। कल का आपको पता है डिवीज़न 2 का जो अपना मैच था बहुत शानदार रहा था, और आज के इस मैच की भी उम्मीद कुछ ऐसी ही रहेगी। बस आपको वीडियो पूरा वॉच करना है, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे मैच के बारे में। ये मैच है 7:45 पर स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा ICC अकेडमी दुबई में। बैलेंस सरफेस होने वाला है, एवरेज स्कोर 90 से 110। 11 मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं, 7 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं, 4 में चेज हुआ है। मतलब चेज करना यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। IGM की जो टीम है ना भाई, वो VTB की टीम से स्ट्रॉन्ग है, ये बात आप ध्यान में रखना। और ये चीज़ यहाँ से भी देख सकते हो आप, पहला मैच इनकी टीम जीती थी। इनकी तरफ से ओपन करेंगे आसिफ खान और हमीद खान। आसिफ खान बढ़िया ऑलराउंडर है, पहले में 26 रन, 0 विकेट था, 1 ओवर डाल के। करियर में इसके नाम 299 मैच में 9600 से ज़्यादा रन, 37 का एवरेज, 153 विकेट है। हमीद खान 11 रन किए थे, मेनली एज अ बैटर खेलता है, 156 मैच में 4823 रन, 34 का एवरेज है। यासिर कलीम भाई बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है ये, पहले मैच में 54 किया था, ओवरऑल 140 मैच में 4791 रन, 45 का एवरेज है। संदीप सिंह ने भी 31 नोट आउट किया था, करियर में 385 मैच में 11132 रन, 32 का एवरेज और 64 विकेट है। विष्णु सुकुमारन, इन्होंने 1 ही रन किया था, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, करियर में 248 मैच में 5273 रन, 31 का एवरेज, 72 विकेट है। लुकमन हजरत की बात करूँ तो पहले मैच में 1 नॉट आउट किया, 1 विकेट था, बढ़िया बॉलर है, 145 मैच में 145 विकेट है। त्योकुर रियासत को भी यहाँ पर 1 विकेट मिला था, 267 मैच में 238 विकेट है, और ये भी मेन बॉलर है। आसिफ मुमतजा एक स्पिनर है, देखो इसको ना हर मैच में बॉलिंग देती नहीं है टीम, और यही हुआ पहले मैच में, इसको बॉलिंग मिली नहीं, लेकिन एक स्पिनर है तो अगर विकेट लेगा तो गुच्छे में लेगा, तो इसको आप GL में पिक कर सकते हो, 232 मैच में 246 विकेट है। मोहम्मद जाहिद को 1 विकेट मिला था, 46 मैच में 43 विकेट है। हैरी बरवाल भाई ये भी एक स्पिनर है और टॉप क्लास स्पिनर है, हालांकि पहले मैच में विकेट लेस रहा लेकिन GL का ट्रंप है। दानिश कुरैशी भी विकेट लेस रहा था, 104 मैच में 125 विकेट है। देखो मैं इनके फेवर में ही टीम बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ से पिक करूँगा आसिफ खान, हमीद खान, यासिर कलीम, इसके बाद में बॉलर में मैं रखूँगा लुकमन हजरत, तोक्यू रियासत, मोहम्मद जाहिद और दानिश कुरैशी, 7 प्लेयर मैं इनके रखने वाला हूँ। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको दे ही दूंगा। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे टी रियासत, एल हजरत, एम जाहिद, डेथ के ओवर डालेंगे आसिफ खान, डी कुरैशी और एच बरवाल। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि VTB की टीम की। इनकी टीम ने 3 मैचेस खेल लिए हैं, पहला जीते, 2 मैच हारे हैं, और इनकी टीम ने भाई प्लेइंग 11 भी बहुत बदला है। लास्ट जो इनका मैच हुआ था वहाँ पर ओपन किया था मजहर हुसैन और राजीव मोहन ने। मजहर हुसैन देखो सबसे बड़ी बात है, ओपन के साथ साथ 2 ओवर डाल रहे हैं, हालांकि विकेट सिर्फ 1 है लेकिन बल्ले से 50 नॉट आउट, 7 और 0 हैं, और करियर में 415 मैच में 10,000 से ज़्यादा रन, 33 का एवरेज, 506 विकेट हैं। राजीव मोहन पहले 2 मैच खेला नहीं, आखिरी मैच में 7 रन किए थे, मेनली एज अ बैटर ही खेलेगा, 141 मैच में 2514 रन, 23 का एवरेज है। यहाँ से आएंगे दर्शन परागनी, बढ़िया प्लेयर है भाई, मेन काम इसका बॉलिंग करना है, हालांकि लास्ट मैच में 1 डाउन आया था लेकिन मेन काम इसका बॉलिंग करना है। 3 मैच में 5 विकेट निकाल चुका है, बल्ले से 8 और 1 हैं, करियर में 83 मैच में 740 रन, 105 विकेट है। यहाँ से आएंगे सिल्टन हेडफील्ड, इनकी बात करो तो 0, 5 और 19 किया है, करियर में ओवरऑल 244 मैच में 6544 रन, 31 का एवरेज, 81 विकेट है। विनान नायर की बात करो तो देखो इसका मेन काम है बॉलिंग करना, लेकिन बॉलिंग इसको ना सिर्फ 1 मैच में मिली है, 16 नॉट आउट, फिर 0 विकेट, फिर 6 रन, तो कंसिस्टेंटली इसको मौका मिल नहीं रहा है, 112 मैच में 2415 रन, 109 विकेट है। मोहम्मद अजमल ये भी एक बढ़िया ऑलराउंडर है, 0 विकेट हैं, 26 से 1 विकेट हैं, 19 रन है, लेकिन यहाँ पर 1 ओवर मिला और यहाँ पर तो बिल्कुल ही बॉलिंग इनको नहीं मिली थी, 301 मैच में 7525 रन, 32 का एवरेज, 275 विकेट हैं। यहाँ से आएंगे सेल्डन ड्रज, इनकी बात करो तो पहले मैच में 8 नॉट आउट किया, 111 मैच में 2810 रन, 36 का एवरेज है। मुजामिल खान को भी 7 नॉट आउट किया, 1 ओवर डाला, हालांकि विकेट मिला नहीं था, मेन काम बॉलिंग कराना है, 400 मैच में 623 विकेट है, 3600 रन भी है, लेकिन मेन काम बॉलिंग करवाना ही है। अरमान सजनानी की बात करूँ तो 2 विकेट पहले में, फिर उसके अगले दोनों मैच में 1 ओवर मिला जहाँ पर विकेट लेस था। सोहेल काजी लास्ट मैच खेला उसमें 1 ओवर डाला, विकेट लेस था, 158 मैच में 118 विकेट है। और सरोन पिंटो भी लास्ट मैच खेला जिसमें
विकेट लेस था, 81 मैच में 128 विकेट है, मीडियम पेस बॉलर है। अभी के लिए देखो मैं यहाँ से पिक करूँगा मजहर हुसैन को रखूँगा, दर्शन प्रागनी को रखूँगा, इसके अलावा मैं एम अजमल को रखूँगा, और इसके अलावा एक और प्लेयर अगर आप चाहो तो नीचे से आप ए सजनानी या फिर एस पिंटो में से किसी को रख सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेलता है उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे एम हुसैन, एम खान, डेथ के ओवर डालेंगे डी प्रागनी, एस पिंटो, एस काजी। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करूँ यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है यासिर कलीम को, बैटिंग सेक्शन से एस ड्रज को रखा है, हमीद खान को रखा है, आसिफ खान को रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से मजहर हुसैन और लुकमन हजरत को रखा है, बॉलिंग सेक्शन से मोहम्मद जाहिद, एम अजमल, त्योकु रियासत, डी प्रागनी और दानिश कुरैशी को रखा हुआ है। कैप्टन मेरे आसिफ खान है, वाइस कैप्टन मजहर हुसैन है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।